गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 7 दिसंबर और आज के इस सेशन में 7 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस खाड़ी के ऊपर चक्रवात मंडोस के बनने की चेतावनी जारी की है? बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी या लाल खाड़ी? इसका सही आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। साथ ही में डिस्कस करेंगे इस चक्रवात के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एटीएम से अभी तक क्या निकलता था, पैसा, लेकिन अब एटीएम से क्या निकलेगा, गोल्ड। तो फ्रेंड्स, गोल्ड एटीएम ये जो भारत का पहला खोला गया है ना, हैदराबाद में, याद रखेंगे आप सभी, पहला गोल्ड एटीएम जो कि कहाँ खोला गया है, तो हैदराबाद में खोला गया है। आइए जान लेते हैं इस गोल्ड एटीएम के बारे में बेसिक जानकारी। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ये कहां पर खोला गया है, तो हैदराबाद तेलंगाना में से खोला गया है और ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम होगा। ठीक है, प्रत्येक एटीएम में 5 किलोग्राम तक सोना रखने की क्षमता होगी। मतलब जैसे ये जो एटीएम लगाए जाएंगे, इनमें जो गोल्ड रखा जाएगा, इसकी जो क्षमता होगी वो 5 किलोग्राम तक रखने की होगी। ठीक है, एटीएम मशीन में 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकाले जाएंगे। यानी कि ये जो मशीन लगाई गई है ना, जो एटीएम लगाया गया है, इसमें फ्रेंड्स कौन कौन से सिक्के निकल सकते हैं? तो देखिए, 0.5 ग्राम का गोल्ड जो सिक्का है वो निकल सकता है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम सहित 8 विकल्प इसमें उपलब्ध है। ठीक है, जैसे हम लोग मशीन में जब पैसे निकालने जाते हैं एटीएम, तो उसमें रहता है ना ऑप्शन 100 रुपए, 500 रुपए, 2000, है ना, उसी प्रकार से इस गोल्ड मशीन में भी ऑप्शन आप सभी के लिए रखे गए हैं। फ्रेंड्स, इससे ग्राहकों को बिना किसी नुकसान के लाइव कीमत पर अपना निवेश रिटर्न मिलेगा और एटीएम की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कीमतों को लाइव अपडेट करना। ठीक है, अपने बजट के भीतर सोना आप सभी इस मशीन से खरीद सकते हैं, चाहे आपके पास डेबिट कार्ड हो, चाहे आपके पास क्रेडिट कार्ड हो। जैसे आप पैसा निकालते हैं मशीन से, वैसे ही आपको गोल्ड मिलेगा इससे, है ना। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने ग्राम का गोल्ड खरीदना चाहेंगे, है ना। तो आगे डिस्कस करेंगे, अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। जैसे कि उज्जैन से आप सभी याद रखेंगे, उज्जैन याद आया होगा आपको कि जो वैदिक घड़ी है, देश की पहली वैदिक घड़ी, ये कहाँ लगाई जाएगी? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में लगेगी। लखनऊ से याद रखेंगे नाइट सफारी, देश की पहली जो नाइट सफारी है ये कहाँ बनाई जाएगी? लखनऊ में। और साथ ही में याद रखेंगे देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये भी कहां पर बनाई गई है? तो लखनऊ में बनाई गई है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा से आपको याद होगा ग्रीन एटीएम, देश का जो पहला ग्रीन एटीएम है ये कहां पर खोला गया है? तो याद रखेंगे गुरुग्राम हरियाणा में। गोल्ड एटीएम पूछे तो हैदराबाद, ग्रीन एटीएम पूछ ले तो गुरुग्राम हरियाणा। दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। देश का पहला, भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किसने पेश किया है? तो इसे तमिलनाडु ने पेश किया है। ठीक है, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां बनेगा? महाराष्ट्र में। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट कहां से लॉन्च हुआ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसकी लॉन्चिंग की गई थी, जिसके बारे में पिछले करेंट अफेयर में हमने डिस्कस किया था। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स देखिए, गोल्ड एटीएम हैदराबाद तेलंगाना याद रखेंगे, और अगर आपसे पूछ ले कि गोल्ड की एक समान कीमत को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है, तो केरल है फ्रेंड्स, है ना।
भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये कहां पर बनेगा? तो फ्रेंड्स ये लद्दाख में बनेगा, है ना, लद्दाख में इसे बनाया जा रहा है। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड किसने स्थापित किया है? तो इसे भारत की जो निजी कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसकी जो लॉन्चिंग है वो एस सोमनाथ जी के द्वारा की गई थी, कहां पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसे IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास की जो PDF है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला सवाल देखते हैं कि संगम अभ्यास का 7वां जो संस्करण है भारतीय नौसेना मार्को और US नेवी सील के बीच कहां पर हुआ है? तो देखिए यहां पर एक पॉइंट और है आपका, भारतीय नौसेना मार्को इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स भारतीय नौसेना मार्को और USA नेवी सील के बीच जो ये अभ्यास हुआ है ये गोवा में हुआ है। कहां पर? याद रखेंगे आप सभी, गोवा में इसका आयोजन किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो संगम अभ्यास है, संगम जो अभ्यास है याद रखेंगे इसमें इंडियन नेवी और अमेरिका की नेवी भाग लेती है ना। पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था और यह दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये मार्को क्या है फ्रेंड्स, है ना। तो देखिये भारतीय नौसेना मार्को क्या है, 1985 में भारतीय समुद्री विशेष बल के रूप में इसे तैयार किया गया था, यानी कि इसे कब बनाया गया था, 1985 में, ठीक है। दो साल बाद मार्कोस का नाम बदलकर कर दिया गया मरीन कमांडो फोर्स, ठीक है, याद रखेंगे मरीन कमांडो फोर्स नाम कब बदल दिया गया, दो साल बाद, जिसका सबसे घातक जो आदर्श वाक्य है, यानी कि जो मार्को है इसका जो सबसे घातक आदर्श वाक्य है, तो याद रखेंगे द फियरलेस इसका सबसे घातक आदर्श वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभ्यास लेटेस्ट करेंट अफेयर। दो दिवसीय सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास के हिस्से के रूप में पूर्वी समुद्र तट पर हुआ है? तो ये तीसरा संस्करण था फ्रेंड्स। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसे हम सिम्बेक्स 2022 कहते हैं, इसका जो आयोजन हुआ वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास जिसे टाइगर ट्रंप के नाम से जानते हैं ये कहां पर हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। 7वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 2022। तो फ्रेंड्स गरुड़ जो अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। 2022 का जो आयोजन है वो जोधपुर राजस्थान में किया गया। भारतीय सेना एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसे एक्स खान क्विस्ट के नाम से जानते हैं 2022 में ये कहां पर हुआ? मंगोलिया में। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण मार्च अप्रैल 2022 कहां पर हुआ? बकलोल। अब ये बकलोल कहां पर आता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में आता है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि गरुड़ शक्ति 2022 ये कहां पर हुआ है, गरुड़ शक्ति 2022 युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ है और किन दो देशों के बीच हुआ है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से किस मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स ये जो वायाडक्ट है ना इसका मतलब क्या है, तो लंबे पुल कहा जाता है, जिस प्रकार से आप सभी इस पिक में देख पा रहे होंगे बहुत ही जो लंबा पुल है ये किसके द्वारा बनाया गया है, नागपुर मेट्रो के द्वारा बनाया गया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड में भी शामिल किया गया है ना। तो पूछा जा सकता है कि किसने सबसे लंबा मेट्रो जो पुल है वो बनाया है, तो नागपुर मेट्रो के द्वारा बनाया गया है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स इसमें, है ना।
तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसने बना लिया है। और वाइगार्ड एक प्रकार का लंबा पुल या पुलों की एक श्रृंखला होती है। इसका जो उद्देश्य है वो पानी घाटी या किसी अन्य सड़क पर पुल का निर्माण करना है ताकि उस पर सड़क या रेलवे ट्रैक बनाया जा सके। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे ऊपर मेट्रो चल रही है और नीचे आपकी सड़क दी गई है ना, पिलर्स पर इसे बनाया गया है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं मेट्रो से संबंधित करंट अफेयर के बारे में। तो देखिए विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो कौन सी है, तो दिल्ली मेट्रो है फ्रेंड्स, है ना। भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बनी पहली इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इस बोट का नाम है मुजरेस। याद रखेंगे इसे कोची वाटर मेट्रो के लिए बनाया गया है जिसका नाम है मुजरेस। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है, कोलकाता। और फ्रेंड्स याद रखेंगे देश की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कहाँ चलेगी, तो ये भी आपकी कोलकाता में चलेगी। और नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे हुगली नदी है फ्रेंड्स, है ना। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पर शुरू हो गई है, तो ये चीन के संघाई में शुरू हुई है ना। यूबी रेंज से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी है, लखनऊ मेट्रो सेवा है। दिल्ली के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा है, तो हैदराबाद मेट्रो रेल नेटवर्क है। तो ये मेट्रो से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जिनके बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है, तो फ्रेंड्स कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि आप पोर्टल से ही समझ सकते हैं कि कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये कहाँ के सीएम है वर्तमान में, त्रिपुरा के हैं। ई उपहार पोर्टल और सीएम डैश बोर्ड किसने लॉन्च किया है, तो सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि ये किस राज्य में वर्तमान में सीएम है। आरोग्य मंथन 2022 का जो उद्घाटन है ये मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है, उत्तराखंड सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर CAPF ई आवास बे पोर्टल लॉन्च किया, तो इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों को हल करने हेतु ई समाधान नामक जो पोर्टल है ये UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान किसने शुरू किया है, तो फ्रेंड्स गलत सूचना विरोधी अभियान यानी कि जो गलत इंफॉर्मेशन है उसे बढ़ने से रोकने के लिए जो ये अभियान है ना, गूगल ने लॉन्च किया है। किसने, तो याद रखेंगे गूगल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और गूगल की एक सहायक का नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है जिप्सो, आपसे पूछा जाएगा कि जिक्सो का संबंध किससे है, गूगल मेटा ट्विटर या अमेजन, तो याद रखेंगे गूगल से ये संबंधित है। भारत में एक नई गलत सूचना विरोधी परियोजना इसके द्वारा शुरू की जा रही है। फ्रेंड्स इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो भ्रामक जानकारी को रोकना जिसे हिंसा को भड़काने और मौतों के लिए दोषी ठहराया गया है। ठीक है, गूगल की बात की जाए तो 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसके जो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो सुंदर पिचाई है। अब आप मुझे बताएंगे कि गूगल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, गूगल का मुख्यालय कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर में जो वृद्धि दर थी ना जीडीपी की भारत की, उसे घटा दिया था। लेकिन अब फिर से विश्व बैंक के द्वारा एक नया आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें बढ़ा दिया गया है, और कितनी कर दी गई है तो 6.9% कर दी गई है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो फ्रेंड, जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में नामित किए गए थे इंदरमीत गिल, नाम याद रखेंगे, जो कि वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है वो सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर कंपनी बन गई है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन, याद रखेंगे आप सभी, दुनिया की सबसे बड़ी ये कंपनी बन गई है। फ्रेंड्स, राजस्थान के जैसलमेर में अपने तीसरे 450 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट के चालू होने के साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर कंपनी बन गई है। डिस्कस कर लेते हैं अडानी समूह के बारे में या अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो फ्रेंड्स, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक है। कंपनी को 2015 में स्थापित किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो अहमदाबाद गुजरात में है। वर्तमान में चेयर गौतम अडानी है और इसके जो सीईओ और एमडी है वर्तमान में, इनका नाम है विनीत जैन। ठीक है, कमेंट्स करके बताएंगे कि जो अहमदाबाद है ये किस झील के किनारे बसा हुआ है, उस झील का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 दिसंबर को किस शहर में ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। तो देखिए, इसका जो उद्घाटन है वो सूचना और प्रसारण मंत्री यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा वर्चुअल माध्यम में किया गया है, यानी कि डिजिटल रूप से। और ये जो उद्घाटन किया गया है ना वो चेन्नई में किया गया है, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो ड्रोन मेला याद रखेंगे आप सभी, ग्वालियर, ड्रोन मेला ग्वालियर। और दिल्ली से याद रखेंगे सबसे बड़ा जो ड्रोन एक्सपो हुआ, और ड्रोन मेल, ड्रोन जो स्कूल है फ्रेंड्स, है ना, ड्रोन स्कूल कहां पर, तो ग्वालियर। ठीक है, ड्रोन मेला पूछे सबसे बड़ा देश का, तो याद रखेंगे ये हुआ था आपका कहां पर, दिल्ली में ड्रोन मिला। ठीक है, और ड्रोन एक्सपो कहाँ पर हुआ है, तो देश का जो सबसे बड़ा ड्रोन एक्सपो हुआ है ना ये भी चेन्नई में हुआ था फ्रेंड्स, है ना, देश का सबसे बड़ा जो ड्रोन एक्सपो हुआ है ये भी चेन्नई में आयोजित किया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, केरल में। ड्रोन मेले के, ड्रोन स्कूल के बारे में भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो पहला देश ही बना है हमारा भारत। किस राज्य में ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा, हरियाणा में। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद जिसका नाम है इंद्रजाल, इसे किसने विकसित किया है, हैदराबाद स्थित ग्रीनी रोबोटिक्स द्वारा इसे विकसित किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल किसने लॉन्च किया था, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी कि मनसुख मांडविया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विस्तारा एविएशन द्वारा पुणे से किस देश के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। तो फ्रेंड्स, पुणे से सीधी सिंगापुर के लिए, कहाँ के लिए, तो याद रखेंगे सिंगापुर के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, ये खिताब जीता है मनु भाकर और
सरबजोत ने, ठीक है, दोनों के नाम याद रखेंगे, युगल में इन्होंने यह खिताब जीता है। आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो भोपाल में हुआ था, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में मंडोस चक्रवात के लिए चेतावनी जारी कर दी है। अब देखिए यहाँ पर नाम महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मंडोस चक्रवात है इसे नाम किस देश ने दिया है। फ्रेंड्स तो याद रखेंगे इसे जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, इसे नाम दिया गया है किसके द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है, मंडोस का अर्थ क्या होता है, तो खजाने का पिटारा, याद रखेंगे आप सभी। और ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला तीसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ष 2022 का पहला चक्रवाती तूफान कौन था, असानी। असानी नाम किसने दिया था, तो इसे श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दूसरा कौन सा था, तो दूसरा याद रखेंगे सितरंग था। ठीक है, सितरंग नाम किसने दिया था, सितरंग जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया था, थाईलैंड के द्वारा, है ना। तो तीनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। खबरों में रहा सेमेरु ज्वालामुखी किस देश में है, तो ये इंडोनेशिया में है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हो गया जिसके बाद चेतावनी जारी की गई। किस राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को देश में छठी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, तो छत्तीसगढ़ से उद्घाटन होगा। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीत लिया है, तो इसे कैनरा बैंक ने जीत लिया है। स्वर धरोहर फेस्टिवल कहां पर हुआ, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। देश का पहला राज्य जो अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा, तो ये जो घोषणा है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई थी। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, मद्रास उच्च न्यायालय ने। भारत और फ्रांस के किस परियोजना पर सहयोग कर रहे हैं, तो मिलकर कर रहे हैं काजीरंगा परियोजना पर। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा इसे विकसित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया, नई दिल्ली में। रूसी तेल पर किस समूह की निर्धारित मूल्य सीमा लागू हुई है, तो G7 ने ये सीमा लागू की है। राष्ट्रपति मेडल से किसे सम्मानित किया गया, अजीत कुमार टेटे को सम्मानित किया गया। डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक GK क्वेश्चन। कैपिटल गेन टैक्स किस वस्तु पर लगाया जाता है, संपत्ति पर इसे लगाया जाता है। निजी क्षेत्र के किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित की, एक्सिस बैंक ने। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित है, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर जो आधारित थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। वह उत्तक कौन सा है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है, तो याद रखेंगे कॉर्नियो है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिडिक अम्ल। लाइकन किससे बने होते हैं, तो कवक और शैवाल से बने होते हैं। न्यू लीफ किसकी एक किस्म है, तो ये फफूंदी की है। सुनहरी क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, KL चंटा को कहा जाता है। तमाकू की प्रथम संकर नस्ल कौन सी है, तो इसे हम कहते हैं GTH1। कल की क्लास में जो सवाल आपसे पूछे गए थे इनके आंसर एक बार देखेंगे। तो विश्व मृदा दिवस विश्व भर में कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर कहाँ बनाया गया है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग किरोट किसका बना होता है, तो लोह और निकिल का बना होता है।
निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा जो उत्पादक है ना वो चाइना है फ्रेंड्स, है ना। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? अगला सवाल है कि सी 295 परिवहन विमान कौन बनाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिस्सा सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।